फ्रेंड्स कैसे आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ और सिखाने वाला हूँ कि हम किस तरीके से कोटिंग मारेंगे नया कॉइल में, तो हमारा जो है कितना का फ़ायदा हो सकता है और कस्टमर फ़ायदा हो सकता है इससे। तो चलिए हम फटाफट देर न करते हुए आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि नया कूलिंग कॉइल में कोटिंग मारने से क्या फ़ायदा होता है और किस तरीके से मारेंगे तो वो ज़्यादा कामयाब होगा। ठीक है, तो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये उल्टा जो कर रखे हैं इस तरीके से, वो इसलिए कर रखे हैं कि जो यहाँ पे हम कोटिंग मार रहे हैं ये जो जगह है उसके अंदर तक चला जाए और अच्छी तरीके से ये कोटिंग हो पाए। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि थोड़ा सा जो कूलिंग कॉइल का जो लाइफ होता है वो बढ़ जाता है। ये विंडो एसी का कूलिंग कॉइल है और ये इधर हेडर है, ये हेडर है, देखते हैं कि इधर जो हेडर है यहाँ पे भी हम कोटिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी कोटिंग हो चुका है और इसमें क्या होगा जो कार्बन है कई साल तक इसमें क्या होगा कार्बन अब लगेगा नहीं, जो इसमें प्लास्टिक का जो जो है ये देखिए जो प्लास्टिक का इसमें जो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ जो जो कोटिंग हम मारते हैं जिसमें प्लास्टिक का जो लेयर चढ़ जाता है इसकी वजह से ये दिख रहा है आपको जो वाइट वाइट सा जो है इसमें प्लास्टिक का लेयर चढ़ जाता है और उसके वजह से क्या होगा कि जो कार्बन होगा आसपास में जो नाला होगा वो इस पर असर नहीं करेगा, जो कॉपर का पाइप है वो इस पर जल्दी असर नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला पूरा हो गया इसका कूलिंग कॉइल, अब हम इसको जा रहे हैं लगाने। ओके, वीडियो हमारा अगर आपको अच्छा लगा हो तो जो मेरा चैनल है उसको आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और चीज़ साथ में। ओके, बाय बाय।